नमस्कार, स्वागत है आपका एवन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ प्रीति भंडारी। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। भारत में पाकिस्तान पर दरियादिली दिखाते हुए भारत ने जेल में बंद 11 पाक कैदियों को रिहा करने का फैसला किया है। बता दें, पाक जेल में बंद कुलभूषण जाधव को अप्रैल में मौत की सजा सुनाए जाने के बाद ये पहला मौका है जब बड़ी संख्या में पाकिस्तानी कैदी रिहा हो रहे हैं। चुनाव आयोग ने केंद्र सरकार से कोर्ट की तर्ज पर उनकी छवि खराब करने वालों के खिलाफ अवमानना का मुकदमा चलाने की का अधिकार देने की मांग की है। बता दें, चुनाव आयोग ने कानून मंत्रालय को इस बारे में पत्र लिखा है। अटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने सरकार से शीर्ष विधि अधिकारी के पद पर उनकी दोबारा नियुक्ति के बारे में विचार न करने को कहा है। उन्होंने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। बता दें, मोदी सरकार के सत्ता में आने के तत्काल बाद रोहतगी को AG नियुक्त किया गया था। इस दौरान उन्होंने उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित NGSC अधिनियम को चुनौती जैसे कई विवादित मुद्दे संभाले। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने आर्मी चीफ बिपिन रावत को सड़क का गुंडा बताने के बाद अपने बयान को लेकर माफी मांग ली है। बता दें, दीक्षित ने कहा था, उन्हें बुरा लगता है जब हमारे सेना प्रमुख सड़क के गुंडे जैसे बयान देते हैं। कैबिनेट मंत्रियों के प्रदर्शन का आंकलन करने के तहत प्रधानमंत्री कार्यालय ने फाइलों को आगे बढ़ाने के बारे में ब्यौरा मांगा है। खासतौर पर फाइल उनके कार्यालय में कितने समय तक लंबित रही, इसका ब्यौरा मांगा गया है। कई मंत्रालयों ने इसे कैबिनेट में फेरबदल के पहले की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है। मंत्रिमंडल में फेरबदल राष्ट्रपति चुनाव के बाद होने की संभावना है। महाराष्ट्र सरकार ने प्रदेश में किसानों की कर्ज माफी का ऐलान कर दिया। छोटे और सीमांत किसानों को इसका लाभ तुरंत दिया जाएगा। सरकार के इस फैसले के साथ ही किसानों ने अपना आंदोलन तेज करने का फैसला स्थगित कर दिया है। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने कांग्रेस नेताओं पर मध्य प्रदेश के किसान आंदोलन को हाईजैक करने का आरोप लगाते हुए कहा कि ऐसे कई वीडियो सामने आए हैं जिसमें कांग्रेस के नेताओं ने लोगों के वाहनों को जलाने और पुलिस थानों को लूटने के लिए उकसा रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के 70वें जन्मदिन के मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गंगा पर बने दो पुल, JP पुल और आरा छपरा पुल का उद्घाटन किया। इस मौके पर लालू प्रसाद यादव समेत प्रदेश के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे। इन दोनों पुलों को बिहार की लाइफलाइन कहा जा रहा है। यूपी के हरदोई में जीजा साली के रिश्ते को शर्मसार कर देने वाला एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। यहाँ एक जीजा ने अपनी ही साली के रेप के वीडियो को सोशल नेटवर्किंग साइट यूट्यूब और फेसबुक पर अपलोड कर दिया। पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कश्मीर में पत्थरबाजी करने वाले युवाओं के लिए भारतीय सेना नया तरीका आजमाने जा रही है। साउथ कश्मीर में पत्थरबाजी करने वाले 20 युवाओं के एक ग्रुप को आर्मी देश के तमाम बड़े शहरों में घुमाने ले जाएगी। ये तरीका इस इलाके में तैनात मेजर जनरल BS राजू ने निकाला है। इस मिशन को सद्भावना मिशन नाम दिया गया है। ब्रिटेन में एक मुस्लिम महिला का हिजाब खींचकर उसे धक्का दे दिया गया जिससे वो गिर गई। घटना पीटरब्रो के फेन गेट में तब हुई जब महिला अपनी कार से उतरकर सड़क पार कर रही थी। इसके अलावा एक मुस्लिम लड़की पर ताना मारने का भी मामला सामने आया है। लड़की से एक राहगीर ने कहा कि तुम लोग बम बरसाना कब बंद करोगे। देश के सबसे बड़े टैक्स सुधार GST की दरों को काउंसिल की बैठक में संशोधित किया गया। बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस बारे में जानकारी दी। वित्त मंत्री ने कहा कि GST कंपोजिशन एक मुफ्त योजना का लाभ 75 लाख रुपए सालाना का कारोबार करने वाले छोटे व्यापारी, विनिर्माता और रेस्टोरेंट कारोबारियों के लिए होगा। बता दें, पहले ये सीमा 50 लाख रुपए थी। मोबाइल ऐप आधारित टैक्सी कंपनी ओला और उबर की कमीशन पॉलिसी से परेशान दिल्ली के कुछ टैक्सी ड्राइवरों ने मिलकर नई मोबाइल टैक्सी सर्विस शुरू की है। सेवा कैब के नाम से शुरू की गई इस सर्विस को बड़ी संख्या में टैक्सी ड्राइवर जुड़ रहे हैं। बता दें, इसकी खास बात यह है कि टैक्सी बुक करने के लिए मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करने के साथ साथ ड्राइवरों को सस्ते में हाथ देकर भी रोका जा सकेगा। भारतीय कप्तान विराट कोहली ने दक्षिण अफ्रीका में 8 विकेट से जीत के बाद इसे ICC चैंपियन ट्रॉफी में अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ मैच करार दिया। साथ ही उम्मीद जताई है कि टीम बांग्लादेश के खिलाफ बर्मिंघम में होने वाले सेमीफाइनल में ऐसा ही प्रदर्शन दोहराएगी क्योंकि यहां की पिच उनके खेल के अनुकूल है। PM मोदी के स्वच्छ भारत अभियान पर आधारित अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर की फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया। फिल्म में कई सच्ची घटनाओं को जोड़कर दिखाया गया है। अक्षय कुमार तो अपनी एक्टिंग के लिए जाने ही जाते हैं, लेकिन भूमि पेडनेकर की एक्टिंग भी दमदार है।
बड़ी खबरों में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए वन न्यूज के साथ। नमस्कार।